इस व्याख्यान में हम एक मजबूत और टिकाऊ संरचना बनने से पहले विभिन्न अवस्थाओं के ठोस मिश्रण पर चर्चा करेंगे। जब आप कंक्रीट के बारे में सोचते हैं, या तो आप इसे एक तरल पदार्थ के रूप में सोचते हैं जिसे आप किसी भी आकार में या कठोर सतह के रूप में बना सकते हैं, हालांकि इन दोनों अवस्था की तुलना में अधिक ठोस है। कंक्रीट की कुल 3 अवस्थाएं हैं और प्रत्येक एक ठोस संरचना के अंतिम परिणाम में अपनी अनूठी भूमिका निभाता है। प्लास्टिक, तराई, कठोर। प्लास्टिक अवस्था। कंक्रीट की पहली स्थिति को प्लास्टिक अवस्था के रूप में जाना जाता है, जो कंक्रीट को संदर्भित करता है जब यह गीला होता है और आटा जैसा होता है। कंक्रीट एग्रीगेट पानी और सीमेंट से बना है और इन सभी सामग्रियों को एक साथ मिलकर एक निर्माण सामग्री बनाई जाती है, जो आपको इसे स्थिति में बदलने की अनुमति देती है। कंक्रीट एक कार्यकारी पदार्थ है जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इस अवस्था में कंक्रीट अपनी जगह ले लेता है और संघनन होता है। इस अवस्था में कंक्रीट अन्य निर्माण सामग्री की तुलना में पैतरेबाजी है। इसके निम्नलिखित गुण हैं: उत्कृष्ट व्यवहारिकता, उच्च वायु सामग्री, अलगाव की संभावना, मिश्रण का सामंजस्य सुनिश्चित करें, आकार देने के लिए लचीलापन। प्लास्टिक अवस्था के तहत यह सेटिंग से गुजरता है। यह तब होता है जब कंक्रीट सख्त हो जाता है, लेकिन अभी भी परिष्करण कार्य के लिए अपेक्षाकृत आसान है। प्रारंभिक सेटिंग अवस्था, जब मिश्रण पर्याप्त तरलता प्राप्त करने के लिए एक तरल अवस्था में नहीं रह गया है। अंतिम सेटिंग अवस्था वह है जब कंक्रीट ने कठोरता प्राप्त कर ली है और पेस्ट एक ठोस हो जाता है। कंक्रीट की दूसरी स्थिति को क्योरिंग के रूप में जाना जाता है। कंक्रीट इस अवस्था में अपनी ताकत और अस्थायित्व विकसित करता है। कंक्रीट सेट के ठीक बाद तराई होता है। इस प्रक्रिया के दौरान नमी और तापमान को कम से कम 7 दिनों तक नियंत्रित किया जाना है। यदि ठीक से ठीक नहीं किया जाता है तो स्केलिंग और घर्षण का खतरा होता है, जो एक भद्दे तैयार उत्पाद के लिए बनाता है। मिश्रण अनुपात, वांछित शक्ति मौसम की स्थिति और समग्र कंक्रीट के आकार के आधार पर तराई का समय भिन्न हो सकता है। कठोर अवस्था। यह अवस्था तब होती है जब कंक्रीट ने अपनी निर्दिष्ट संपीड़ित शक्ति विकसित कर ली है और इसका उपयोग अपने इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इस अवस्था में कंक्रीट बहुत मजबूत और टिकाऊ है। कठोर कंक्रीट में चलने या तड़के के पैरों के निशान नहीं होंगे। कंक्रीट भी अभेद्य हो जाता है और कम से कम संकुचन का अनुभव करता है। ठोस हाइड्रेट्स के रूप में मिश्रण तरल से कठोर हो जाता है। कंक्रीट के गुण 3 अवस्थाओं में से प्रत्येक में भिन्न है। कंक्रीट की स्थिति को समझने से एक मजबूत और टिकाऊ कंक्रीट प्राप्त करने में भी मदद मिलती है।